आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा कि ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बैठक में शामिल नहीं हुए, दिल्ली में विभागीय बैठक की वजह से नहीं हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वहां पर मौजूद है, सांसद अरुण भारती बैठक में मौजूद है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि विभागीय बैठक जो दिल्ली में होनी है केंद्रीय मंत्रियों की, उस बैठक में शामिल होने की वजह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में आज पटना में शामिल नहीं हो पाए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी हिंदू स्वाभिमान यात्रा ना तो एनडीए की थी ना बीजेपी की थी, बल्कि वो मेरे खुद की यात्रा थी जो हिंदू के स्वाभिमान को बचाने के लिए मेरी तरफ से की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने भागलपुर से की थी और सीमांचल के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। और लोग दीपावली को हम लोग दीपावली कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अब नया शब्द उसको दे रहे हैं, जश्ने दीपोत्सव या फिर जश्ने रोशनी। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। भारत को इस्लामिक माहौल, जब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बनता है तब तक माहौल क्रिएट करें, चाहे किसी शैक्षणिक संस्थान में मनाया जाए, चाहे कोई सामाजिक स्तर पर मनाएं, एक तरह से हिंदुओं के त्यौहार के नामों के साथ छेड़छाड़ की ये कोशिश है। जब भी होगा दीपोत्सव होगा, दीपावली ही होगा, यही हमारे पूर्वज कहते आए हैं, यही हम कहते हैं। लोग छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए हैं। अब मांग ये उठ रही है कि जातीय गणना हो, लोगों की भी गिनती की जाए। अरे भाई, तो राज्य को अधिकार है ना। देखिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया, हिमाचल में शुरू करने दें, कौन उनको दिक्कत है। केवल टाई टाई करने से होगा, ये एगो रट लिया है तोता जैसा कोई रटा दिया है। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पिछड़ों के साथ धोखा दिया, और इनको कोई सिखा दिया है कि ये बोलोगे तो सारे हिंदू आपस में लड़ जाएंगे। हिंदू लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, क्योंकि अब समझ लिए हैं जातीय जनगणना भी होगी, राज्य अपने अपने अनुसार कराएंगे जिनको जरूरत होगी। लेकिन किसी को तोता की तरह रटने से कोई फायदा नहीं।